साथियों, मैं जयेश सर, आप लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बात करेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है और इस बार भी चांसेस बनती है, यानी कि संभावना बन रही है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो लगातार आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वीडीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग जो है अपना लगन से मेहनत करें, ठीक है, और एग्जाम बेहतर तरीके से दें ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके, ठीक है। तो आप लोग जो है अब समय बहुत ही कम है एग्जाम का, तो प्रिपरेशन ढंग से कीजिए, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि समय बहुत ही कम है, और मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग देखें, कुछ लोगों का कमेंट था जो ये अभिनंदन कुमार है, क्या कमेंट करता है, बड़ा बकलूल है इधर तो, क्या पढ़ता उठता नहीं है, ठीक है, कमेंट बहुत कर रहा है, पढ़ता उठता नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पढ़ता उठता नहीं है ये लड़का, एकदम बकलूल लगता है। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड करा देते हैं ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन का कुछ मांग किए हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। यानी क्वेश्चन है जीन चिकित्सा, यानी कि जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा के बारे में देखेंगे कि जीन चिकित्सा क्या होती है, ठीक है। जीन चिकित्सा है यानी कि जीन में क्या होता है, चिकित्सा होता है, ट्रीटमेंट होता है, यानी कि मान लें कि किसी को डिजीज है, कोई डिजीज है, उसके उसके जीन को चेंज किया जाता है, जीन में चिकित्सा किया जाता है। जीन में जो होता है क्या होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें गुण होता है, तो उसमें अगर जीन में अगर कोई किसी को डिजीज है, ठीक है, तो उसको जीन को चेंज किया जा सकता है। तो जीन को चेंज करना मतलब जीन में क्या करना, ट्रीटमेंट करना, सुधार करना, ठीक है, किसी कोई डिजीज है उसके जीन को, खराब वाला जीन को काट के हटा दिया जाता है और अच्छा वाला जीन को उसमें लगा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जंतु, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ट्रांसजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होती है, यानी कि जो लोग खुद से आर्टिफिशियल लोग से आर्टिफिशियल रूप से जो होता है क्या करते हैं, जीन का चिकित्सा करके, और उसमें क्या होता है, खुद से जो एनिमल्स या जीव जो बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं, यानी कि उसमें संशोधन होता है, उससे संशोधन करना पड़ता है, और तब जाकर के वो जीव का या प्लांट्स का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक जंतु। तो सब जो है आपको बता दिए है, ठीक है, वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया गया है, जाकर के वहां देख सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है, कि ट्रांसजेनिक जंतु बनाया जाता है, उसको जीन को चेंज करके खुद से वो क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक जंतु या प्लांट्स बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, पौधा स्वस्थ होता है, ठीक है, अगर ट्रांसजेनिक पौधा है तो पौधा क्या होगा, स्वस्थ होगा और रोगों से लड़ने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, यहाँ रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक है, एक बुक का नाम है, इसमें कौन सा सेल जाता है, जो भी पौधा यानी एनिमल्स, यानी कहने का मतलब जो भी जीव है वो जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो विलुप्त हो रहे हैं या क्षतिग्रस्त है, उसको इसमें इसमें ऐड किया गया, इस बुक में उसका चर्चा है, किस बुक में रखा गया है, रेड डाटा बुक में, जो विलुप्त हो रहे हैं, या क्षतिग्रस्त जो क्या है, पौधों है या जंतु है, उसको रेड डाटा बुक में रखा गया है। तो ये आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में पूरा बढ़िया से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। रेड डाटा बुक क्या है, एक बुक है जिसमें विलुप्त हो रहे हैं प्राणियों को रखा गया है, ठीक है। क्राई जीन को भी आप देख लीजिए, क्राई जीन क्या होता है, क्राई जो होता है एक प्रकार का जीन है, जो कपास का जीन है, क्या होता है यह जीन का क्या काम है क्राई जीन का, तो क्राई जीन जो होता है जो बाल कृमि होता है, जो माने पौधों को यानी कपास के पौधों को क्षति पहुंचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रोगाणु है समझिए, तो पौधा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, एक राइजिन जो होता है उसको रक्षा करता है, कैपेसिटी होता है यानी कि रोगों से लड़ने का, रोग प्रतिरोधी, ठीक है, यानी कि क्राइजिन जो होता है क्या होता है, यानी कि कपास की जो जीन होती है, ये जो होती है मतलब ट्रांसजेनिक जंतु में पाई जाती है, ट्रांसजेनिक पौधों में पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक प्रजनन, आंतरिक या अंतः प्रजनन कह सकते हैं, आंतरिक प्रजनन तथा बाहरी प्रजनन, यानी कि इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, तो क्या होती है इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, क्या होती है, यानी कि इन ब्रीडिंग का मतलब, यानी कि आंतरिक प्रजनन क्या होता है, तो यानी कि सेम जो स्पीशीज होती है, ठीक है, हमने सेम स्पीशीज के साथ जब प्रजनन की क्रिया होती है तो आंतरिक प्रजनन कहलाती है, इन ब्रीडिंग कहलाती है। और जब जो होता है, अगर मान लीजिए एक ही तरह के जीव है, एक ही जाति का जीव है, और उसमें क्या होगा,
यानी कि प्रजनन होगा। तो एक ही जाति के बीच जब प्रजनन होता है तो इनब्रीडिंग कहलाता है, यानी कि आंतरिक प्रजनन कहलाता है। जब विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच प्रजनन का क्रिया होता है तो क्या कहलाते हैं, वही प्रजनन कहलाता है। तो इस सारा क्वेश्चन को आप लोग देखने इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको प्रिपरेशन कीजिए अच्छा से, ताकि क्वेश्चन ना छूट सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।